चलिए बात करते हैं राजधानी देहरादून की, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के बयान पर सियासी तेज हो चुकी है। दरअसल महेंद्र भट्ट ने कहा था कि कांग्रेस का गैरसैंण प्रेम मात्र दिखावा है। इसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने मांग चढ़ा रखी है। करण माहरा का कहना है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को शर्म आनी चाहिए जो बगैर सोचे समझे इस तरह का बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में भवन निर्माण से लेकर तमाम सुविधाएं कांग्रेस की देन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने टेंट में वहां विधानसभा सत्र चलाया, लेकिन बीते 2 सालों में बीजेपी सरकार ने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किए जाने के बावजूद वहां सत्र नहीं चलाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी शासनकाल में बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को अपने गृहबान में झांकने की जरूरत है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। कभी मुझे लगता है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को शर्म नहीं आती होगी, वो कुछ सोचता नहीं होगा, मेरे को ऐसा लगता है। बंदा गैरसैंण में बिल्ड भवन बनाने से लेके सारी कुछ तो कांग्रेस ने किया, टेंट में कांग्रेस ने वहाँ वो लगाया। तुमने 2 साल से ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद वहाँ एक दिन का सत्र नहीं बुलाया और तुम कांग्रेस पर आवाज़ लगा रहे हो। तुम्हारे कार्यकाल में बेटियों के बलात्कार हो रहे, महिलाओं के बलात्कार हो रहे, अंकिता मर रही है और तुम उसमें भी कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे थे।